गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 1। हमारा टॉपिक है द स्कॉलर फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म का पहला चैप्टर है हमारा द स्कॉलर। अब स्कॉलर मीन्स क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, वाइज पर्सन, लर्निड मैन। विद्वान व्यक्ति कहते हैं उसे हम स्कॉलर। अब इस पोएम में क्या बताया गया है वो हम आपको बताएंगे। जो हमारी पोएम है द स्कॉलर, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदी। यह कविता जो लिखी है वो लिखी है हमारे रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी हमारे पोएट थे, उन्होंने एक सुंदर कविता का निर्माण किया है, कंपोज किया है द स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति। अब इसमें कहते का है, पोएट क्या कहता है? पोएट यह कहता है जो प्राचीन काल के जो हमारे स्कॉलर हैं, इन द ओल्डन टाइम्स, जो प्राचीन काल के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो आर नाउ डेड, अब वह मर चुके हैं। जो प्राचीन काल के महान स्कॉलर रह चुके हैं, विद्वान व्यक्ति रह चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। दे आर नो मोर, वो अब यहां पर नहीं है। इट मीन्स दे आर डेड, अब वह मर चुके हैं। कवि क्या कहना चाहता है? कवि यह कहना चाहता है कि जो स्कॉलर्स इस संसार में नहीं है, उनकी किताबों को जो कवि है वो पढ़ता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अपना टाइम किताबों में पढ़ने में लगाता है। किन लोगों का? जो अब इस दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कबीर के दोहा, रहीम के दोहा, लेकिन जो कवियों ने लिख दिए हैं, कंपोज कर दिए हैं, वह कवि हमारे बीच में नहीं है, अर्थात मर चुके हैं। दे आर डेड, अब वो कैसे हैं? वो कवि अब मर चुके हैं, लेकिन हम उनके दोहा को पढ़ते हैं। वी रीड द दोहाज ऑफ कबीर एंड रहीम, बिकॉज दीज पोएट्स आर नॉट प्रेजेंट बिफोर अस, यह कवि हमारे सामने उपस्थित नहीं है, बिकॉज दे आर डेड, वो मर चुके हैं, लेकिन हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं। वी रीड द पोएम्स ऑफ दोज पोएट्स, उन कवियों की कविताओं को पढ़ते हैं, दे आर नाउ डेड, जो अब कैसे हैं? जो अब मर चुके हैं। अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? इन दिस पोएम द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है द क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स, जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं हमारे, जो महान विद्वान लोग हैं, जो नहीं है तो जिनकी अच्छाइयां हैं, वह उनकी प्रशंसा करता है, अच्छाइयों की प्रेज करता है, और एंड हेट्स, और घृणा करता है वीकनेसेस, जो उनकी कमियां हैं उनको हेट्स करता है। तो कहना यह है कि इस कविता के द्वारा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ द ग्रेट स्कॉलर, इस कविता में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। द पोएट सेज, कवि कहता है, ही रीड्स, वह पढ़ता है दोज बुक्स ऑफ दोज राइटर्स, उन किताबों को पढ़ता है जो अब कवि नहीं है, द पोएट्स आर डेड, जो कवि मर चुके हैं, उनकी किताबों को अधिक से अधिक टाइम देता है, लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करता है। तो इस कविता के द्वारा समझाया गया है। अब देखो द स्कॉलर, अब हम समझाएंगे, सबसे पहले बताएंगे कवि के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। देखो, रॉबर्ट साउदी वॉज बॉर्न इन 1774। रॉबर्ट साउदी का जन्म 1774 में एट ब्रिस्टल में हुआ। ये भी महान कवि था रॉबर्ट साउदी, अच्छी पोएम लिखी है, द स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति। ही वॉज ए ग्रेट गुड राइटर, वह एक महान और एक अच्छा लेखक था, एज वेल एज पोएट, कवि भी था, कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं।
ही डाइड इन 1847 और इसकी मृत्यु हो जाती है 1843 में, इसका देहांत हो जाता है। दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट ऑफ रॉबर्ट साउदी। हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दिया आपको रॉबर्ट साउदी के बारे में। अब हम कविता की लाइनें पढ़ेंगे, पंक्तियां बताएंगे, समझाएंगे। अब इसमें देखो पहली लाइन क्या कह रही है, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज का मतलब क्या है यहां पर, माई लाइफ पीरियड। माई डेज का मतलब यहां पर है माई लाइफ पीरियड, मेरे जीवन का समय, मेरे जीवन काल का समय। माई डेज इट मीन्स माई लाइफ पीरियड। अमंग इन बिटवीन, बीच में, मध्य में। अमंग का मतलब है यहां पर बिटवीन, बीच में। द डेड, डेड का मतलब क्या है, द बुक्स ऑफ द ऑथर्स हु आर नाउ डेड। यहां डेड का मतलब है मरा हुआ, मरे हुए का मतलब जो कभी मर चुके हैं। द ऑथर्स हु आर नाउ डेड या द पोएट्स हु आर नाउ डेड, कवि जो अब मर चुके हैं। आर पास, आर पास का मतलब है पास, जो गुजर चुके हैं। तो पहली लाइन का मतलब है माई डेज अमंग द डेड आर पास, इसका मतलब है जो मेरा जीवन काल है, कवि कहता है जो मेरा जीवन काल है उन लोगों के मध्य किताबों को पढ़ने में व्यतीत करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अराउंड मी आई बीहोल्ड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। अराउंड मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब सभी दिशाओं में। आई बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब होता है सी, देखना, बीहोल्ड मीन्स सी। कवि कहता है मैं चारों ओर देखता हूं। वेयर एवर दीज काउजल आईज, काउजल आई का मतलब होता है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। काउजल आई ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। आर कास्ट, आर कास्ट का मतलब है आर थ्रोन, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मैं देख सकता हूं वहां तक मैं देख सकता हूं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माइटी माइंड्स का मतलब होता है माइटी माइंड, ग्रेट राइटर्स, या माइंड का मतलब है राइटर्स, लेखक, और माइटी का मतलब होता है ग्रेट। तो यहां पर माइटी माइंड्स का मतलब हो गया ग्रेट राइटर्स, महान लेखक। इसका मतलब है द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मतलब जो लेखक पुराने हो गए हैं, जो लेखक है नहीं इस दुनिया में, मैं उनकी किताबों को अपने जीवन भर पढ़ता रहता हूं। माई नेवर फेलिंग, नेवर फेलिंग का मतलब होता है मोस्ट सिंसियर एंड फेथफुल, मोस्ट सिंसियर एंड फेथफुल। सिंसियर का मतलब सबसे ज्यादा सच्चा, और फेथफुल होता है वफादार। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वह हमारे ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। व्यक्ति तो चला गया लेकिन वो अपनी किताब की रचना कर गया है, वही किताब आज चल रही है, आज पढ़ते हैं हम लोग, उस महान राइटर की किताबें होती हैं। विद हूम, जिसके साथ आई कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है पोएट कहना चाहता जिससे मैं टॉक, कन्वर्ज का मतलब है टॉक, बातचीत करना, जिससे मैं बातचीत करता हूं। डे बाई डे, डे बाई डे का मतलब डेली, जिससे मैं किताबों को पढ़ता हूं, जिन किताबों को पढ़ता हूं उनसे मैं बातचीत करता हूं। और जो बुक्स है हमारी, बुक्स आर अवर बेस्ट एंड सिंसियर फ्रेंड, जो बुक्स है हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, सबसे अच्छी साथी होती है। ये हो गया हमारा पैरा, फर्स्ट पैराग्राफ या पहली पंक्ति होगी हमारी, पहला स्टैंजा की। अब दोबारा देखिए इस चीज को, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बीहोल्ड, वेयर एवर दीज कॉजल आईज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड,
माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्ट डे बाई डे। अब इस हमारी जो लाइन की पंक्तियां उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे देखो, द स्कॉलर टेल्स अस, विद्वान व्यक्ति बताता है डैट ही पासेज हिज टाइम, वे अपना समय व्यतीत करता है इन रीडिंग द बुक्स, किताबों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत कर देता है। ऑफ ग्रेट राइटर्स, महान लेखकों के, हु आर नाउ डेड, जो अब राइटर और जो कवि इस समय मौजूद नहीं है। सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी, जो हमारा पोएट है सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय में बैठा हुआ है। ही सीज, वह देखता है, क्या देखता है, ऑल अराउंड द बुक्स, सभी दिशाओं में या चारों ओर किताबों को देखता है। जैसे हम लाइब्रेरी जाते हैं, व्हेन वी गो टू द लाइब्रेरी, जब लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, वहां पर क्या देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह देखते हैं लाइब्रेरी में। जहां चीज जाएंगे तो वो चीज वहीं पर दिखाई पड़ेगी, तो चारों ओर किताबें बिखरी हुई हैं, अपने अपने ड्रॉल में लगी हुई हैं। तो वो कवि है, वो सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी, वे अपनी पुस्तकालय में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है वो, बैठकर वहां पर पुस्तकालय में बैठकर, ही सीज ऑल अराउंड द बुक्स, वह किताबों को देखता है। राइटर्स बाई ग्रेट ऑफ ओल्डन टाइम, ऐसे राइटर को सिलेक्ट करता है जो प्राचीन काल में कवि और लेखक रह चुके हैं, उन पुरानी किताबों को लाइब्रेरी से लेता है और बैठकर उस लाइब्रेरी में किताबों को पढ़कर अपना अधिक से अधिक समय को व्यतीत करता है। फिर क्या कवि कहना चाहता है, दी बुक्स आर सिंसियर फ्रेंड्स, ये किताबें उसकी सच्ची मित्र होती है। अगर जब व्यक्ति कोई टेंशन में होता है तो सॉन्ग सुन लेता है, डिवोशनल सॉन्ग सुन लेता है, धार्मिक गाने सुन लेता है, नहीं होता है किताबें पढ़ लेता है। तो किताबें ऐसी चीजें होती हैं जो सच्ची साथी होती हैं, हमारी सुख दुख में काम आती हैं। तो कवि यही कहना चाहता है, दीज बुक्स आर इज सिंसियर फ्रेंड विद हुम, किताबें उसके लिए सच्ची दोस्त होती हैं, विद हुम, जिसके साथ, ही कैन टॉक फ्रीली एवरी डे, किताबों के साथ वह स्वतंत्रता पूर्वक बातें कर सकता है, ही कैन रीड देम, उन किताबों को पढ़ सकता है, ही कैन रीड देम, देम का मतलब बुक्स, वह उन किताबों को पढ़ सकता है, व्हेन ही लाइक्स, जो वह पसंद करता है, जिन किताबों को, जिन पुस्तकों को वह पसंद करता है वह किताब पढ़ सकता है। दी आर द बेस्ट कंपनी फॉर हिम, जो किताबें होती हैं वो बेस्ट कंपनी मतलब सबसे अच्छी कंपनी देती हैं फॉर हिम, राइटर लेखक के लिए एक सबसे अच्छी कंपनी होती है उसकी किताबें। ये हमने एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया आपको, हिंदी में बता दिया, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से आप पढ़ना समझ।